गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं पिछले कल ऊपर बगीचे पर आई थी जूनी गांव। तो हम लोगों ने पिछले कल स्प्रे भी की और कुछ फ्रूट्स भी उठाए। तो क्या क्या काम किया, यही सब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। एक वीडियो तो मैंने डाल दी थी, जिसने देखी है उनको पता है, तो जिन्होंने नहीं देखी वो लोग मेरी वीडियो देख लें। तो ये जो आप लोगों को व्यू दिख रहा है, ये है हमारे रास्ते में पड़ता है, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों के लिए ये शूट कर लिया। तो बहुत ही सुंदर पहाड़ आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। हमारे बगीचे में एप्पल के अलावा स्ट्रॉबेरी भी लगा रखी है हम लोगों ने। आज निकालूंगी मैं स्ट्रॉबेरी जो हमारे बगीचे में तैयार हो चुके हैं, यही सब मैं दिखाने वाली हूँ। और आप लोग देख ही रहे हैं सुंदर सुंदर व्यू। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एप्पल के अलावा और भी फ्रूट्स लगा रखे हैं। चेरी है, चेरी के पेड़ आगे हैं, मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ पर मैं आई हूँ स्ट्रॉबेरी उठाने, ये है स्ट्रॉबेरी के पौधे, तो मैं उठाने वाली हूँ स्ट्रॉबेरी। यहाँ पर है हमारे स्ट्रॉबेरी, इनमें कलर आ गए हैं। तो जब ये पहले ग्रीन होते ही है इस तरह से होते, और ये है पक चुके हैं, इनमें कलर आ गया। इतना तो निकाल ही देती हूँ ना, ये भी निकाल दो है ना, पक जाते हैं फिर। तो हम करेंगे, तोड़ेंगे इनको, बहुत ज्यादा बारिश होने पर कीचड़ कीचड़ हो गए। ये भी निकालते कलर जैसे, ये पक जाएंगे जो कलर जैसे आए हो, ये कम कलर है। यहाँ पर ना पक्षी भी नहीं देते रहने, अगर ये इतना रेड हो तो यहाँ पर छोटी छोटी पक्षियाँ आ जाती है और सारे खा लेते हैं पक्षी। इतने सुबह से इतने पक्षी आए यहाँ पर। पक्षियों ने कैसे खा लिए कहूंगी आपको। तो हमने यहाँ पर ये कम ही एरिया में है लगाए हैं, पर काफ़ी स्ट्रॉबेरी निकल गई, बहुत सारे निकल गए। ये देखिए, एक डोंगा तो फुल हो ही गया, एक डोंगा जैसा फुल हो गया। ये सड़ गया, फेंक दो। ये मिट्टी में लगे नीचे बारिश ज्यादा। बहुत सारी बीमारी लग रही है। आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे गांव का माहौल कितना शांत, कितना अच्छा लग रहा है शहर के चहल पहल से। तो गांव में पक्षी वगैरह चहचहा रहे हैं सुबह से, तो पक्षी वगैरह फ्रूट्स खाने भी आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई पक्षी वगैरह दिखते हैं, उनकी मधुर आवाज़ सुनने को मिलती है। और इतनी हरियाली हो गई है आजकल बगीचे में, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पर हम आए थे एक दो दिन के लिए ही, तो हमारे को जल्दी जाना पड़ेगा, घर में भी कोई नहीं होते हैं, बच्चे अकेले होते हैं, तो यहीं रहने का मन करता है। क्या करना, बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। ए लो जी, हो गए हमारे स्ट्रॉबेरी।
स्ट्रॉबेरी किस किस को पसंद है कमेंट करके बताना मुझे जरूर। देखने में इतना अच्छा लजीज, नहीं खाने में भी टेस्टी है। जिस जिसको पसंद है कमेंट करके बताना मुझे। ये देखिए द्रव्या। हाँ ये द्रव्या का। तो फ्रेंड्स ये थी स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी उठाने के बाद मैं साफ कर रही हूँ इनको, क्योंकि आजकल लगातार बारिश हो रही तो बहुत मिट्टी मिट्टी फंस गई थी इसमें कीचड़ वगैरह, और मैंने जो सड़े हुए थे उनको साइड में कर दिया और बाकी को धो रही हूँ। और इनमें से जो थोड़े कच्चे हैं और जो पके हुए उनको अलग अलग कर दूँगी मैं। जो कच्चे जैसे हैं उनको अलग से रख दूँगी ताकि वो आराम से पक सके। तो मैंने बोला था आपको चेरी वगैरह का पेड़ भी दिखाऊंगी, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि अचानक से घर में बेटी बीमार हो गई थी तो हमें जल्दी जल्दी वापस जाना पड़ा, तो इसीलिए मैं वो शूट नहीं कर पाई, वो नहीं दिखा पाऊंगी। और मैंने ना पिछले कल घास निकालते हुए अंगूठा भी काट दिया था, तो इसमें मैंने कपड़ा बांध दिया है और तभी मैं एक हाथ से लगी हूँ धोने। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।